हेलो एवरी वन वेलकम टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ऑप्टिकल मीडियम सो लेट स्टार्ट बाई द लेंस ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटीरियल मीडियम विच कैन ट्रांसमिट लाइट थ्रू इट लेंस एक ऐसा मटेरियल होता है जो फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन इसको हम किसी ना किसी शेप में डालकर रखते हैं जैसे हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज आते हैं और स्फेरिकल लेंसेज को हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इनमें से हमारे पास एक टाइप कॉन्वेक्स लेंस है तथा दूसरा हमारे पास कॉनकेव लेंस है जिनको हम नीचे आगे डिस्कस करने वाले हैं एंड अ लेंस इट इज़ बाउंडेड बाई कर्व साइड्स मे बी वन और बोथ साइड जो एक लेंस होता है उसकी या तो एक या फिर दोनों साइड कर्व हो सकती हैं एंड अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स आते हैं जिनमें से हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस होता है तथा दूसरा कॉनकेव लेंस होता है जिसको आगे हम यहाँ डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट बाई द कॉन्वेक्स लेंस अ लेंस विच इज़ थर एट द मिडल एंड थिनर एट द एज एक ऐसा लेंस जो बीच में से थिक्कर यानी कि मोटे साइज का होता है एंड साइड्स में से किनारे जो होते हैं उसको थिनर यानी कि पतले होते हैं तो इस तरह के लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहा जाएगा इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट अलाउज टू कन्वर्ज ऑल द लाइट रेज ऑन ए पॉइंट आफ्टर द रिफ्रेक्शन और इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये इस पर गिरने वाली सभी तरह की लाइट्स को किसी एक पॉइंट पर फोकस कर देता है कभी आपने जो है इस तरह का एक्सपेरिमेंट देखा होगा जहाँ पर हम एक लेंस से किसी मैचिस्टिक या फिर किसी पेपर को जलाते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से सो so, अब डिस्कस कर लेते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में अ लेंस विच इज़ थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एज कोई एक ऐसा लेंस जो बीच में से पतला होता है और जिसके जो किनारे होते हैं यानी कि साइड्स होती हैं वो फिककर यानी कि मोटे साइज़ की होती हैं तो इस तरह के लेंस को कॉन्केव लेंस कहा जाएगा इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट अलाउज़ लाइट रेज टू डाइवर्ज आउटसाइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जब इस पर लाइट रेज आकर फॉल होती हैं तब ये इसको क्रॉस करने के बाद बाहर यानी कि आउटर साइड की तरफ क्या हो जाती हैं डाइवर्ज यानी कि फैल जाती हैं तो इस तरह के लेंस को डाइवर्जिंग या फिर कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है एंड हम डिस्कस कर लेते हैं अदर टाइप्स ऑफ लेंसेज यानी कि लेंस कॉनकेव और कॉनवेक्स में किस किस तरह के लेंस हमारे पास देखने को मिलते हैं सो so, सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस जिसकी एक साइड प्लेन होती है तथा एक साइड इसकी कॉन्वेक्स होती है तो इस तरह के लेंस को प्लेनो कॉन्वेक्स कहा जाएगा डबल कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस जिसकी दोनों ही साइड कॉन्वेक्स होती हैं तो इस तरह के लेंस को डबल कॉन्वेक्स लेंस कहा जाएगा क्योंकि इसकी दोनों ही साइड मिडल में से थिकर होती हैं जिसको हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं एंड द थर्ड इज़ कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस जिसकी एक साइड कॉन्केव होती है तथा दूसरी साइड कॉन्वेक्स शेप में होती है तो इस तरह के लेंस को कॉनकेवे कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है इसे आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं एंड द फोर्थ टाइप इज़ प्लेनो कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस जिसकी एक साइड प्लेन होती है तथा एक साइड कॉनकेव शेप में देखने को मिलती है यानी कि बीच में से थिनर यानी कि पतली होती है एंड द अदर टाइप इज डबल कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस जिसकी दोनों ही साइड कॉनकेव शेप में होती है यानी कि बीच में से थिनर यानी पतली होती है जिसको हमेशा हम लोगों ने इस्तेमाल करते हुए देखा है तो इस तरह के लेंस को कॉनकेव लेंस कहा जाता है एंड द सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस तो एक ऐसा लेंस जिसकी एक साइड कॉन्वेक्स शेप में होती है तथा एक साइड कॉन्केव शेप में होती है तो इस तरह के लेंस को कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस कहा जाता है एंड इस वीडियो में बस इतना ही तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम कॉन्केव लेंस तथा कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर हम लोग यहाँ पर आपको एनिमेशन के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है वो आपको करके बताएँगे